इंसान ले रहा है, जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो मतलब हर चीज अच्छा है तो इसी वजह से लिया जा रहा है। और हर लोग देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप का है, अच्छा लग रहा है तो फिर लोग ले रहे हैं। जैसे ये आप सोच के होंगे खादी का मेला लगा हुआ है, यहाँ आत्मनिर्भर और हिंदुस्तान का बना सामान मिलेगा, यहाँ पे चाइना और अमेरिका और यूएसए वगैरह का सामान बिक रहा है जी। तो कैसे देखती हैं इसको? और यहाँ भीड़ भी ज्यादा लगा है, जो खादी के जो स्टॉल है वहाँ खाली है, क्या अंतर है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से? लोग यहाँ पे आए, जैसे काफी लोग आए हैं, सिर्फ हम तो आए नहीं है, सबको सबको पता होगा, लेकिन जिस टाइप का ढूंढा जा, उस टाइप का तो मिला नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं पर मिला, लेकिन गलत हो रहा है। जब हिंदुस्तान का तो फिर इंडिया का ही दिखाना चाहिए ना, जरूरी नहीं कि तुम बाहर का दिखाओ, तो ये गलत हो रहा है। चाइना का या विदेशी माल नहीं दिखाना चाहिए, इंडिया का दिखाइए। पूरा सरकार कह रही है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, यहाँ पे बिक रहा है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, हमें लेना तो नहीं चाहिए, गलत हो रहा है, पर इंसान करेगी, अब मिलना है तो खरीदना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए ये सिर्फ एक दो आइटम नहीं है, देखिए ये नया प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, ये मेड इन वियतनाम है, देखिए इसमें लिखा है, देख रहे हैं। और आप देखेगा कि कोई भी ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। इसको दिखाइए सर, ये दूसरे वाले को दिखाइए, इसमें क्या लिखा है, फर्म का नाम या कंपनी का नाम कुछ लिखा है? देखिए ये सब विदेशी पैटर्न पर नाम अंकित है सारे, देखिए देखिए आप किस तरीके से ये चल रहा है। और मेले का भी एक सीन हम आपको दिखा दें, देखिए ये पूरा मेला, और इस मेले का आयोजन मंडल स्तरीय खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का नाम दिया गया है, जो 28/12/2020 से 6/1/2021 तक चलेगा। इसमें मंत्री स्तर, जिला प्रशासन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और लोगों को प्रमोट भी कर रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मेले की धूम। और अभी हम आपको खादी का वो दुकान दिखाएंगे, आप उसको भी जरूर देखें। देखिए ये खादी आश्रम देवरिया के लोग हैं, और देखिए ये दुकान बिल्कुल खाली है, यहाँ एक भी पूरे मेले में भीड़ आप जबरदस्त देखेंगे, लेकिन पूरा दुकान खाली है, क्योंकि ये एक्चुअल में खादी के प्रमोशन के लिए लगाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है पूरे देश में, शायद इसी खादी को लेके होती है, इसके प्रमोशन के लिए, इसके लिए पूरा विभाग सक्रियता अपनी दिखाता है। और जो दुकानदार है वो खाली बैठे हैं, देखिए ये, और इस मेले में देखिए ये भीड़ है, जहाँ चाइना के सामान की लूट मची है, वहीं खादी वाले के यहाँ बिल्कुल वीरान सा दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा खेल है, यहाँ पर खेल है कि हम दरअसल आपको बता देते हैं, मिर्जापुर में मंडली स्तर का खादी ग्राम उद्योग के द्वारा मेला आयोजन किया गया, जिसमें मेड इन चाइना का सामान बिक रहा है। आप साफ देखिए इसमें लिखा हुआ है, बॉर्डर ग्लोरी कंपनी ने बनाया है और मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम इसको दिखाते हैं, देखिए ये मेड इन यूएसए का बना हुआ है। और हिंदुस्तान के अंदर जब खादी के प्रमोशन की बात होती है, तो शायद यही कारण है कि ये प्रमोशन इस तरीके से हो रहा है। कहाँ से प्रमोशन हो रहा है? खादी कहने को खादी ग्राम उद्योग के द्वारा ये मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन यदि यही सच्चाई है तो हो सकता है कि यही कारण है कि यहाँ खादी का ये हाल है। श्री शिवालय टेक्सटाइल बिहार इसके आयोजक हैं, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी मिर्जापुर, और वहाँ पे देखिए ये सारा सामग्री बिक रहा है। कई बार आरोप लगा कि इस खादी के मेले के आड़ में चाइना का सामान बिक रहा है, लेकिन चाइना का सामान आप देखिए, चाइना के जो भी सामग्री बिक रहे हैं वहाँ के दुकानदार माला माल है। भीड़ देखिए कितना जबरदस्त भीड़ है वहाँ, और इस भीड़ में सब लोग, सारे ग्राहक चाहते हैं कि हमको सस्ता और अच्छा माल मिले। इसके लिए ये जो काउंटर है इसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ फ्री में सामान बिक रहा है। हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे सहयोगी, देखिए आपको एक एक बाई एक एक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगा रहे, कि ये लव रिच कंपनी है, और अगर हम इसको पढ़ पा रहे हैं सही तो क्यूटैब कंपनी लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, बनाया है, इसका उत्पादन किया है।
इसी तरीके से और दिखाएं सर, क्या इसमें कौन कौन सा क्या क्या टैग लगा है, क्या ये टैग देखना चाहेंगे? देखिए ये टैग देखिए, इस टैग में है, ये भी मेड इन चाइना। देखिए मेड इन चाइना का सामग्री है। भाई साहब आप बेच रहे हैं इसमें? हाँ जी बोलिए। ये सामान जो आप बेच रहे हैं, ये कहाँ मेला लगा है आपका? ये मेला लगता है बहुत जगह लगता है। कौन है इसके आयोजक कौन है? ये चाइना का सामान क्यों बेच रहे हैं आप? चाइना इसमें सब चाइना तो लिखा है इसमें जो बना है, पकड़ो इसे। ये कहाँ का सामान है बताओ हमको? कौन है? वो है क्या बेटा? हाँ जी। क्या क्या बेच रहे हो जरा बताओ। सरग है, स्वेटर है, इनर है, लोवर है, ब्लेजर कोट है। कितना दिन से इस मेले में तुम बेच रहे हो? 9 दिन से। अच्छा, क्या कंपनी क्या है तुम्हारा जो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर है बिहार का रहने वाला हूँ मैं तो। क्या क्या फर्म क्या है तुम्हारा? हमारा हाँ, क्या फर्म का मामा ने? ये यहाँ क्या बेच रहे हो, खादी का सामान है? ये खादी का सामान तो नहीं है। क्या बेच रहे हो? इसमें तो सब में लिखा है मेड इन चाइना लिखा हुआ है। नहीं सर, ये सब हमारे को देता है वही बेचने, मालिक तो है नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं कहा है सर, कोई नहीं कहा है सर। तुम इस यहाँ खादी का मेला लगा है ना? हाँ हाँ, क्या पता कहाँ कहाँ को, मैं तो काम कल निकल जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पंकज है, मालिक इसका वो दिल्ली में राजस्थान में बैठा रहता है वो तो। शायद खादी का सबसे ज्यादा उपयोगिता गांधी जी ने भी समझा था, और आज उनको अगर पता चलेगा कि खादी के बैनर के आड़ में चाइना का व्यवसाय बढ़ेगा हिंदुस्तान के अंदर, और चाइना का व्यापार दिन दुगना रात चौगना आखिर बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी चाइना का बिक्री अभी भी बिल्कुल बुलंदी पर है। आप देखिए ये सरकार के द्वारा आयोजित मेला है जिसमें खुल के चाइना का सामान बेचा जा रहा है। सिर्फ इस मेले में चाइना के ही सामानों का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, ये आप देखिए ये कोरिया का है, मेड इन कोरिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान का प्रोडक्ट छोड़ के जो आत्मनिर्भर की बात की जाती है, शायद उसको दरकिनार करते हुए विश्व के तमाम देशों के सामग्री यहाँ आपको मिल जाएगा इस मेले में। मैं मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता। सर आप मेले में देख रहे हैं कि आप यहाँ खादी का सामग्री लेने के लिए आए हैं ना जी, तो यहाँ बिक रहा है खादी? यहाँ खादी का भी है, चाइना भी है। चाइना भी, तो ये खादी के मेले में चाइना का सामग्री, देश कहता है कि चाइना का बहिष्कार करो, यहाँ चाइना का सामान बिक रहा है, आपको कैसा लगता है? तो बिक ही रहा है तो सामने है। जी जी।